दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनसे दूध नहीं पिया जाता है, या आपको पता ही नहीं है कि दूध के अलावा किन चीज़ों में दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है और आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है? तो फिर दूध के अलावा कैल्शियम की कमी आपके शरीर में कैसे दूर होगी? दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में क्या क्या दिक्कतें पैदा हो सकती हैं? नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम हैं ना, इसीलिए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसी चीजों के बारे में जिससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी बस कुछ ही दिनों में छूमंतर हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही छोटी रहने वाली है, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, हमें वीडियो लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस आपके एक लाइक से हमें ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है और हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें और आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ बने रहें। ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है आपकी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, हार्ट के लिए, मसल्स के लिए और नर्व्स के लिए। जब शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है तो इन सभी पर बहुत बुरा असर होता है। लंबे समय तक शरीर में कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जोड़ों से कटकट की आवाज आने लगती है, बैक में पेन रहने लगता है, गर्दन के पीछे वाले हिस्से में भी बहुत दर्द रहता है, थोड़ी सी चोट लगने पर ही हड्डी टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाती है, दांतों में कैविटी बनने लगती है, दांतों में सड़न की समस्या पैदा हो जाती है, मसल पेन रहता है, पूरा दिन थकावट बनी रहती है, मसल क्रैम्प होने लगते हैं, नेल्स पर या फेस पर वाइट वाइट स्पॉट बन जाते हैं, नाखून जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। अगर कैल्शियम की कमी जल्दी ही ना पूरी की जाए तो हड्डियां पतली होने लगती हैं और अर्थराइटिस यानी कि गठिये की समस्या पैदा हो सकती है। दोस्तों, कैल्शियम की जब बात होती है तो अक्सर दूध ही याद आता है, लेकिन आजकल दूध की क्वालिटी भी बहुत खराब हो चुकी है, या कई लोगों को तो दूध हजम ही नहीं होता है या फिर वो दूध नहीं पी पाते हैं, तो वो लोग इन 5 चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर अपने शरीर की कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। पहला है चूना। दोस्तों, चूना कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है और पुराने समय से ही चूने का इस्तेमाल हमारे भारत में पान या और बहुत सारी चीजों के अंदर होता आया है। ये बात बिल्कुल सही है कि चूना कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, पर चूना लेना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप किसी भी पान की दुकान से चूना खरीद सकते हैं या ये आपको किसी भी किराने की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। आपको एक चुटकी चूना दही में डालकर सुबह सुबह उसका सेवन करना है, कुछ ही दिनों में आपकी कैल्शियम की कमी छूमंतर हो जाएगी। नंबर 2, कुल्थी की दाल या हॉर्स ग्राम। दोस्तों, दालों में कैल्शियम की बात करें तो कुल्थी की दाल सभी दालों में नंबर 1 पर आती है। यह इतनी ज्यादा पावरफुल होती है तभी इसका नाम हॉर्स ग्राम रखा गया है, क्योंकि इसको खाने से घोड़े जैसी ताकत आती है। कुल्थी की 100 ग्राम दाल में आपको 300 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस दाल को बनाकर खाते हैं तो ये आपके कैल्शियम की कमी को दूर करने की ताकत रखती है। अगला है सफेद तिल। दोस्तों, कैल्शियम की कमी को पूरा करने की अगर कोई सबसे अच्छी और कारगर चीज है तो वो है सफेद तिल। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 100 ग्राम सफेद तिल में आपको 975 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है, वहीं दूध के 100 ml में सिर्फ 125 मिलीग्राम कैल्शियम ही होता है। फिर भी हम दूध को कैल्शियम के लिए इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और तो और इसके अंदर आपको मैग्नीशियम भी मिल जाता है जो कि कैल्शियम को शरीर में अब्सॉर्ब करने में सहायता करता है। दोस्तों, सर्दियों में तो आप तिल के लड्डू बनाकर खा सकते हैं, लेकिन इसकी तासीर गर्म होने की वजह से इसे गर्मियों में ज्यादा ना खाएं। इसे ड्राई रोस्ट करके रख लें और सिर्फ 1 चम्मच दूध के साथ या दलिये के साथ 1 दिन छोड़कर लें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी कभी थी ही नहीं। नंबर 4, राजगीरा। दोस्तों, राजगीरा को रामदाना भी कहते हैं, यह भी कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है।
100 ग्राम राजगीरा में आपको 340 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। कैल्शियम के अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम और विटामिन सी भी पाया जाता है। इससे शरीर में कैल्शियम अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है और पथरी भी नहीं बनती है। दोस्तों, राजगीरा से आपकी कैल्शियम की कमी तो पूरी होगी ही, इसके साथ साथ यह आपका वजन भी कम करेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जिससे आपका मसल मास बढ़ता है और फैट कम होता है। आप इसका दलिया बनाकर खा सकते हैं या इसको आटे की तरह गूंदकर रोटी बनाकर भी खा सकते हैं। नंबर 5, रागी। रागी डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और यह कैल्शियम का भी एक बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ 100 ग्राम रागी में आपको 300 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। अगर आप रागी का सेवन करते हैं तो आपको कभी कैल्शियम की कमी होगी ही नहीं, और अगर कैल्शियम की कमी हो ही गई है तो वो भी कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन यानी कि खून भी बढ़ेगा। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप रागी का डोसा बना सकते हैं, रागी की इडली बहुत अच्छी बनती है, रागी का दलिया बनाकर भी खा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही फायदेमंद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।